नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूं आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए दिसंबर 22 का खास पाठ। राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रीनिवास रामानुजन को गणित में अपनी अद्भुत क्षमता, विचारों की गहराई और अद्भुत रूप से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए याद किया जाता है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और 2012 में भारत सरकार ने गणित में रामानुजन के असाधारण योगदान को सम्मान देने के लिए और शिक्षा और समाज में गणित के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 22 दिसंबर यानी उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में घोषित किया। राष्ट्रीय गणित दिवस छात्रों, शिक्षकों और जनता को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है ताकि वे गणित के महत्व को समझ सकें और उसमें रुचि ले सकें। राष्ट्रीय गणित दिवस गणित में आगे की शोध और गणितीय जांच को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने, नवाचार को बढ़ावा देने और वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में गणित की भूमिका पर भी जोर देता है। गणित हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है और कई गतिविधियों के लिए आधार प्रदान करता है। संक्षेप में कहें तो गणित हमारी दैनिक दिनचर्या और गतिविधियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, जो हमें दुनिया को समझने, विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने और तार्किक निर्णय लेने के लिए आवश्यक उपकरण और कौशल के रूप में कार्य करता है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 22 दिसंबर 1851 को देश में पहली रेलगाड़ी एक मालगाड़ी थी जो रुड़की और पिरान कलियर के बीच में चली थी, और 22 दिसंबर 1937 को लिंकन टनल को न्यूयॉर्क में यात्रा के लिए खोला गया था।